अस्सलाम वालेकुम मेरे होम मील व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको दिल्ली स्टाइल का स्टू बनाना सिखा रहे हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 से 3 लाल गोल वाली मिर्च और 2 पिंच हल्दी। ये जो है साबुत धनिया है और ये गरम मसाला है जो कि आखिरी में डलेगा जब हम इसको दम पे लगाएंगे। अब हमने तमाम चीज़ों को एक पतीली में डाल के गोश्त को उबालने रख दिया। 1.5 टी स्पून जो है वो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। ये जो गोश्त हमने चढ़ाया था वो अब बिल्कुल गल चुका है अच्छे से और इसको अब हम भूनेंगे अच्छे से। हमने एक फ्राई पैन में 2 बड़ी प्याज ली हैं जो कि हम हल्का गुलाबी उसको करेंगे और उसमें 1 अदर टमाटर डालेंगे। ये हमारी प्याज जो है वो पिंक हो गई है, बस इस पोजीशन में जब प्याज आ जाएगी तो इसमें हम 1 टमाटर जो हमने काटा था वो हम इसमें डाल देंगे और इस टमाटर को भी थोड़ा सा इसमें हम जो है ना वो घुला लेंगे प्याज को। फिर हम जो है वो ये प्याज और टमाटर जो है वो हम जो हमने गोश्त को भून के रखा हुआ था स्टू के लिए उसमें हम मिक्स कर देंगे। ये हमारे टमाटर जो हैं अब इसमें प्याज में घुल चुके हैं। अब इस कंडीशन में जब प्याज और टमाटर आ जाएंगे तो ये हम मिक्स कर देंगे, अपने जो हमने गोश्त भूना था उसमें हम मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा स्टू जो है वो भुन चुका है। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून जो है वो दही डाल देंगे। दही के बाद ये खड़ा गरम मसाला जिसमें काली मिर्चें और जीरा, बड़ी इलायची और साबुत धनिया, ये हम इसमें डाल के इसको खूब अच्छे से भूनेंगे और ये इसको दम पे लगा देंगे। हमारा स्टू रेडी है, इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं। चलें जी, ये हमारा दिल्ली स्टाइल का स्टू, बीफ स्टू तैयार है, जिसको बहुत अच्छे से हमने जो है वो डिश आउट कर दिया है। इसके साथ हमने सलाद बनाई है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।